हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़ रहे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। और भाई आज की जो तारीख है आप सभी को बताइए, तो उसको बताने की तो जरूरत है नहीं। आप सभी को पहली बात तो गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से और वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, तो ये बेसिकली जैम 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी। और साथ के साथ जो भी बच्चे एमएससी एंट्रेंस की अभी जो होंगे 2020 में डीयू बीएचयू जेएनयू, वो भी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए भी यूजफुल है। लेकिन मेरा पूरा फोकस रहेगा जैम 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जैम 2020 में आज की ही क्लास से, ये सेम क्लास मैंने पहले भी पढ़ा रखी है ऑनलाइन ही, तो देखना कि दो क्वेश्चन डायरेक्ट आज की क्लास से आपको मिलेंगे, दो क्या तीन क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो आप सभी का वेलकम। फटाफट से आपने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हेलो सर, कैसे हैं? विक्रम सिंह, बहुत बढ़िया हूँ। शालिनी दुबे, हेलो सर, हेलो हाय, गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को। तो चलिए भाई ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की बड़ी कमी होगी। काफी लंबी क्लास ये चलेगी, एक या डेढ़ घंटे की ये क्लास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है जैम के लिए। तो देखो भाई, एनालिसिस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, देखो मैंने वैसे तो पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं लास्ट 5 इयर्स के, लेकिन जैम 2020 का भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर स्टीरियो का। तो देखो भाई जैम 21 में कमाल हुआ, 2020 में क्या कमाल हुआ कि सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन देखने को मिले, 8 क्वेश्चन सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री से, जो कि 11 मार्क्स के थे। और जैम 2020 में 11 मार्क्स एक ही चैप्टर से मिलने का मतलब है कि बहुत बड़ा बोनस आपको मिला यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि टफ बहुत था एग्जाम। हेलो सर कैसे, मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। अभी एक बार कमेंट मत करना, लास्ट में कमेंट करेंगे, एक बार पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो जैम 2020 में 8 क्वेश्चन स्टीरियो से और लेवल 2 था, एग्जाम का बहुत ही अच्छा था। तो ये 11 नंबर अगर आपके आ जाते हैं एग्जाम में तो बड़ा अच्छा रहता। जो स्टूडेंट मुझसे लास्ट ईयर पढ़ते थे, मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन वो कराए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन का भी कंसेप्ट तो मैंने बता रखा था, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि मैं डायरेक्ट था, लेकिन मैंने कंसेप्ट उनको करवा रखा था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे लिखी हुई है आपको दिख रही होगी शायद, विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेवर कंप्लीट। स्टीरियो केमिस्ट्री के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ही नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी, मैं रीजन दूंगा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाओगे तो वहां पे टोपोसिटी का कंसेप्ट आता है, यहाँ वहां पे डायस्टीरियोट्रॉपिक हाइड्रोजन का कंसेप्ट आता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जाओगे तो वहां पे स्टीरियो देखी जाती है, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में स्टीरियो देखी जाती है कि कैसे स्टीरियो आएगी, विटिग रिएक्शन में स्टीरियो देखी जाती है कि कैसे स्टीरियो आएगी, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो मैंने पहले जैम 2020 का एनालिसिस किया, तो देखो भाई बहुत सारे एजुकेटर स्ट्रक्चरल पढ़ाते ही नहीं है, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटोमर पढ़ाते नहीं है, लेकिन मेरा कोर्स अभी भी आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया था। मैंने शुरुआत ही स्ट्रक्चरल से की थी, आज भी शुरुआत स्ट्रक्चरल से ही करूंगा इस क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक क्वेश्चन देखने को मिला स्ट्रक्चरल का जिसमें आपसे पूछा था 4-3 स्ट्रक्चर देखे, फीस 5000 जैम 20 और उसके लिए ज्यादा होगी ना बाद में, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगी प्रियंका यादव, क्योंकि ये लाइव क्लासेस का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है कि लाइव क्लासेस आपको मिले, ठीक है ना, तो ज्यादा हो जाएगी, 5000 रुपए फीस, अभी मैं बताऊंगा उस कोर्स के बारे में। एक क्वेश्चन आरएस कॉन्फ़िगरेशन का था, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था मेरे नोट से। एक क्वेश्चन कॉन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी का था, 3 कॉन्फर्मेशन गिवन थी, बोला था इनमें से कौन सी मोस्ट स्टेबल है, 2 कॉन्फर्मेशन मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई थी। एक 2 नंबर का एमएसक्यू क्वेश्चन देखने को मिला, आसान क्वेश्चन था मेरे जो स्टूडेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन ठीक कर जाना चाहिए था, एकायरल कंपाउंड्स पूछे थे। एक क्वेश्चन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का था, ये आज की क्लास में कवर हो जाएगा, देख लेना भाई वही नोट्स हैं जो उनको पढ़ाए थे और यही तुमको पढ़ा रहा हूं, देख लेना ये क्वेश्चन कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। एक क्वेश्चन फिर से स्ट्रक्चरल आइसोमर का था, एक बोला था साइक्लो ट्राइमिथाइल इस टाइप का, वो भी क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से था, डायरेक्ट नोट्स से था। एक क्वेश्चन फिर कॉन्फर्मेशन से पूछा गया था और 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका टोटमराइजेशन से पूछा गया था, ठीक है ना। तो बाय कर लीजिए प्रियंका, बाय कर लीजिए, शायद आप मुझे चैटिंग पे भी बात कर रहे थे ऐप पे, तो बाय कर लो भाई, क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पहली क्लास स्टीरियो की, अभी ये 1-2 क्लास तो लाइव दिखेंगी,
जिन बच्चों जो बच्चे फ्री में हैं जिन्होंने कोर्स बाय नहीं किया, उसके बाद जो लाइव क्लासेस होंगी ना वो उन्हीं बच्चों को दिखेगी जिन्होंने कोर्स को पेड कर रखा है, जिन्होंने बाय कर रखा है। एक से दो तो फ्री है सभी के लिए, कंटेंट का पता लग जाएगा, उसके बाद पूरी जो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी यूट्यूब पे ही हुआ करेंगी या कहाँ पे होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फटाफट से भी। अब मैं बात करता हूँ भाई जैम 2015 से लेके और 2019 तक के क्या हालचाल थे जी स्टीरियो के। देखो भाई स्टीरियो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, नेट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो एवरेज ये निकल के आई, जो मैंने प्रीवियस ईयर सोल्व करवाए सभी बच्चों को, तो एवरेज ये निकल के आई कि 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ जीओसी एंड स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं 2015 से लेके और 2019 तक। 2020 की तो कहानी मैंने आपको बताई दी, थैंक्स फॉर कंडक्टिंग दिस क्लास फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री, यस। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 8 क्वेश्चन पूछे यहाँ पे 2020 में, लेकिन देखिए तो जैम 2015 से लेके 2019 तक 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ जीओसी एंड स्टीरियो केमिस्ट्री से। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं ना तो इन दोनों चैप्टर के बिना वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, एक जीओसी और एक स्टीरियो केमिस्ट्री। जिसने ये सीख ली ना 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ली भाई, जिसने ये सीख ली 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ली, और जिसने ये नहीं पढ़े ये दो चैप्टर बाकी सारी ऑर्गेनिक पढ़ दी वो कुछ भी नहीं है, आपको कहीं पे भी फंसा देगा। ये दो चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको फंसने नहीं देंगे ऑर्गेनिक में। तो मेरा कहना तो यही रहेगा कि भाई इन चैप्टर को बड़े जबरदस्त तरीके से करना है अपने को, और मैं तो काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री को भी, जीओसी को भी, सभी को, ठीक है। तो चलिए भाई, अब अगर आप मुझसे रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, देखो ये रहा ऑल क्वेश्चन ऑफ आईटी जैम 2020, ये मेरी क्लास वीडियो से ही थे, मेरे क्लास नोट्स से ही थे, और मेरी क्लास की जो खास बात रहेगी कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ और बिल्कुल एडवांस लेवल तक की चीजें आपको पढ़ाता हूँ, जो मुझसे पिछली बार पढ़ते थे उनको पता है, ठीक है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं जैम 2021 के लिए, तो देखो भाई आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आईआईटी जैम का, 70-80% मैं करवाऊंगा और बाकी की जो है और फैकल्टीज करवाएंगी। आपको ऐसा भी मिल सकता है कि एक ही चैप्टर मेरे द्वारा भी होगा और अदर फैकल्टी के द्वारा भी होगा। यहाँ पे फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो लिखी हुई है, लेकिन फ्यूचर में लाइव क्लासेस भी हो सकती है कि लाइव ही हुआ करेंगी क्लासेस आपकी, रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लाइव भी हो सकती है जैसे आज ये लाइव क्लास हो रही है। उसके बाद असाइनमेंट्स का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, थ्योरी की पीडीएफ मिलेगी, जैसे आज की जो थ्योरी मैं करवाऊंगा वीडियो लूंगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जैम 2015 से लेके जैम 2020 तक का, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हुआ करेंगे, किसी भी चैप्टर में डाउट आते हैं तो एक टाइम रखा जाएगा और डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी होंगे। ये कोर्स 15 फेब से स्टार्ट होना था लेकिन मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है इसको, अभी ये स्टार्ट हो गया, लगभग आज से ही ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फ्री डेमो वीडियो, ये आज की फ्री डेमो वीडियो है, इसकी अभी के लिए कॉस्टिंग जो है 5,000 रुपये है। जब यहाँ पे सिर्फ लाइव प्लस रिकॉर्डिंग जुड़ जाएगा तो इसकी फीस मैं इंक्रीज कर दूंगा। अभी आपके पास पूरी पूरी चांस है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसमें बाई कर लीजिए, ठीक है। और कोर्स का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और ये आपको मिलेगा पढ़ रहे ऐप के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर मिलेगा ये आपको? पढ़ रहे ऐप के ऊपर मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे ऐप का भी लिंक है और इस कोर्स का भी लिंक है, तो फटाफट से बाई कर लीजिए। तो मैंने पूरी कहानी सुनाई आपको, थोड़ी सी देर लगी, मैंने पहले तो एनालिसिस किया क्योंकि एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जी हम बात करते हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्या है क्लास में? तो यही नोट्स मैंने पढ़ाए थे भाई, देखो अगर बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, जैम कैम यूट्यूब चैनल, संजय कुमार मेरा नाम, आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ तो लिखा हुआ कि 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन देख लो भाई क्योंकि ये पुराने थोड़े से नोट्स हैं, लेकिन आज के टाइम में ये बोल सकता हूँ कि 8 क्वेश्चन, लेकिन 8 ना बोल के एवरेज ये निकल के आती है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपका स्टीरियो केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल के वो क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं? इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आइसोमेरिज्म का, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चरल की सारी टाइप पढ़ाऊंगा आज की ही वीडियो में, ठीक है। स्टीरियो में कॉन्फॉर्मेशनल पढ़ाऊंगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन, साइक्लोहेक्सेन, चेयर बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, गोज फॉर्म, ब्यूटेन गोज इंट्रैक्शन, सब कुछ पढ़ाऊंगा। कॉन्फिग्रेशनल में मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस, ईजेड, साइन एन टी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालना, एक कंपाउंड आ जाए तो बताओ सर फीस क्यों बढ़ा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 5,000 ही रहने दो। प्रियंका क्या होता है कि लाइव जब क्लासेस होंगी तो उसका पर वीडियो का पे करना पड़ेगा मुझे, लाइव क्लासेस का, ठीक है, इसलिए फीस बढ़ेगी। और वैसे मेरी कोई वो नहीं है कि मैं ज्यादा फीस कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जो कॉस्टिंग एक्स्ट्रा लगेगी ना वो ऑनलाइन क्लासेस की लगेगी, ठीक है। अब देखो भाई 200+ क्वेश्चन इस कोर्स में,
लेकिन आप मान के चलो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ऑल रिमेनिंग कंसेप्ट PYQ। खास बात ये होती है कि मैं PYQ भी करवाऊंगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी देखना, ये पूरी क्लास देखना, भी बच्चों पूरी क्लास देखना, आपको पता लग जाएगा कि क्या है। हाउ आर यू सर, मैं बड़ा फाइन हूँ। मुन्ना कहा क्या हाल चाल है तेरा। ऑप्टिकल में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, POS, COS, AOS, कायरल, RS configuration, और भी बहुत सारी चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता लगेगा। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका आपको पता लगा होगा, शायद 10th क्लास से ही पता लग गया होगा कि आइसोमर क्या होते हैं। तो इसके नाम से ही पता लग रहा कि आइसो मतलब से, मर मतलब पार्ट, यानी कि एक ही कंपाउंड के ऐसे पार्ट जो सेम दिख रहे हैं, यानी कि सेम दिखने का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ऐसे दो कंपाउंड को बोला जाता है कि वो एक दूसरे के आइसोमर है, है ना। क्या बोला मैंने, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमर। दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमर। देखो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, यहां से मैं शुरुआत करूंगा आपकी एक छोटे से एग्जांपल से। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, C2H6O। ठीक है, यानी कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या मैं ये वाला कंपाउंड बना सकता हूँ कि CH3OCH3। अब सारे बच्चों को पता हुआ कि ये तो ईथर होता है जी, और इसी से क्या मैं अल्कोहल बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ जी। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला JAM 20 में कि अल्कोहल और फिनोल, सॉरी ये ईथर है और ये अल्कोहल है, किसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं भाई, अरे अल्कोहल के ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं जी, क्योंकि अल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। क्या इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है जी। क्या इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्या नहीं है जी। क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्या नहीं है जी। तो ये क्या है, एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब कैसे आइसोमर है उसकी भी बात करेंगे, आशुतोष वेलकम, कैसे आइसोमर है उनकी भी बात करेंगे। तो दे बोथ हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं जी, सर थोड़ा सा ये कहानी समझ में नहीं आई, दूसरा कोई एग्जांपल। मैंने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया भाई, किसका, ब्यूटेन का, एक ही लिया। अब ब्यूटेन से मैं ये वाला भी अरेंजमेंट बना सकता हूं और ब्यूटेन से मैं ये वाला भी अरेंजमेंट बना सकता हूं। क्या इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्या नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपका ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग बढ़ने से आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाते हैं, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाते हैं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, जी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर ये डिफरेंट हो गई ना, अगर ये डिफरेंट हो गई ना, तो इनकी क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। हेलो सर, हेलो कल्याण, हेलो सर कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। क्लास देखो एक बार, बाद में बातें करेंगे, लास्ट में सारी बातें करेंगे, एक बार आप क्लास देखो, पढ़ाने दो मुझे, लास्ट में मैं सारी बातें। अब बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ आइसोमर की। तो बेसिकली दो टाइप से डिवाइड हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, जो एटम्स की लिंकेज होती है ना, जो एटम्स की लिंकेज होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे जी, कैसे, थोड़ी सी समझ में नहीं आई, बता दो एक बार अच्छे से। ये वाला देख लो भाई, इससे मैं समझा दूंगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाले जो दोनों ना, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर। कैसे, अब ये देखो, इस ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन लगे हुए हैं, इस ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन लगे हुए हैं और इस ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है। अनुज कुमार सिंह हेलो, हाय सभी को। तो इसके साथ एक ही कार्बन लगा हुआ है, यानी कि दोनों की लिंकेज अलग होगी ना, यहाँ ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ, यानी कि लिंकेज डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चरल में लिंकेज डिफरेंट होती है, बाकी सब सेम रहेगा। स्टीरियो में लिंकेज भी सेम रहती है एटम्स के बीच में, लिंकेज भी क्या रहती है, लिंकेज भी सेम होती है आइसोमर के बीच में, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो जाती है, थ्री डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो जाती है। भाई मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, लेकिन यार एक बार पढ़ाने दो, है ना, क्योंकि 20 की क्लास में ये मुझे रिकॉर्डेड भी अपलोड करनी, तो और बच्चों को प्रॉब्लम होगी। लास्ट में मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एक बार पढ़ो, तुम देखो कि तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, कैसा पढ़ाया जा रहा है आपको, ये बताना फिर लास्ट में, ठीक है। तो चलो भाई, तो स्टीरियो आइसोमर इज द फॉर्म ऑफ आइसोमर, सॉरी स्ट्रक्चरल है, ऐसा ही कहना, स्ट्रक्चर इन विच मॉलिकुलर सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हैविंग हैव एटम्स बॉन्डेड डिफरेंट टुगेदर इन डिफरेंट ऑर्डर्स। पिक्चर क्लियर नहीं है सर, नहीं भाई बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो साफ दिख रहा है। आप अपना थोड़ा सा वो है ना, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, काफी क्लियर दिख रही है मुझे, क्योंकि मैं भी फोन में देख रहा हूँ। तो ये आपका डिफरेंट चेन आइसोमर होते हैं, पोजिशनल आइसोमर होते हैं,
फंक्शनल आइसोमर होते हैं, मेटामर्स होते हैं, रिंग चेन आइसोमर होते हैं, टोटोमर्स होते हैं। तो ये एक बात देखो, इसी से क्वेश्चन आया था। एक तो एक अगर जिसको डेफिनेशन अच्छे से पता थी ना स्ट्रक्चरल की, एक क्वेश्चन तो जैम 21 में डायरेक्ट डेफिनेशन से आया था। कैसे आया था भी समझाऊंगा। कॉन्फॉर्मेशनल क्या होते हैं जी? कॉन्फॉर्मेशनल इज द फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन विच, देखो, आइसोमर इंटरकन्वर्टेड जस्ट बाय रोटेशन ऑफ फॉर्मली सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड अराउंड आपको रोटेशन चेंज करवाते जाना है, ठीक है ना। मेरे पास एक मिनट के लिए सारे रूबी है भाई मेरे पास, है ना, मैं आपको ना उससे भी करवाऊंगा। ये सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री। अरे भाई ठीक है एक मिनट रुको, मैं तुम्हें ना वो भी करवाता हूँ। मेरे पास मॉडल्स भी हैं भाई, तो मैं मॉडल से भी आपको चीजें करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मॉडल से भी काफी अच्छी से चीजें समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। पता नहीं आपको समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा कोशिश करने से, तो ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपका हेल्प ले रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि कॉन्फॉर्मेशनल क्या होते हैं, है ना, कॉन्फॉर्मेशनल क्या होते हैं, कॉन्फिग्रेशनल क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, क्या आपको सही से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो भाई एक मिनट रुक जाओ, पूरी कहानी समझा दूंगा बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। देखो भाई अगर तुम्हें थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो तो देखो, ये वाली चीज अगर आपको दिखाई दे रही हो, यानी कि यहाँ पे देखो ये इस टाइप का है कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या आपका सिंगल बॉन्ड। अगर इसके अराउंड देखो, पहली चीज ये देखो, आप यहाँ पे आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि दो वाई जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। देखो आप यहां से जो वाई नीचे की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम पीछा ऐसे। अब मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो इसको मैंने क्या कर दिया, 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। अब देखो 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये अलग ओरिएंटेशन आ गया। अगर और अलग ओरिएंटेशन आ गया तो इसकी शेप भी चेंज होगी। फिर से मैंने इसको और थोड़ा सा रोटेट किया, यानी कि इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करनी है, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करनी है। और सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के बाद जो प्रॉपर्टीज में चेंज आता है ना, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है कॉन्फर्मेशन है। वो एक दूसरे के क्या है, वो एक दूसरे के वो कॉन्फर्मेशन होते हैं, ठीक है। कॉन्फिग्रेशनल में आपका जो आता है उसकी भी अभी बात करेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो कॉन्फिग्रेशनल में क्या होता है, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि लिंकेज भी सेम है, बट हैविंग डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के बेसिकली पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कहानी क्या होती है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है भाई, यानी कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, रोटेशन पॉसिबल ना हो, है ना, रोटेशन पॉसिबल ना हो, और वैसे एटम्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। रोटेशन के बाद चेंज करें अलग कहानी है, लेकिन रोटेशन फिक्स है उसके बाद एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऐसे को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक आपका सिस ट्रांस हो गया, एक आपका ईजेड हो गया, एक आपका साइन एंटी हो गया, ये वाले नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और कई बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा ये वाला कंपाउंड है, बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये यानी कि कंपाउंड्स में देखना कि ज्योमेट्रिकल है या नहीं है, तो इस टाइप्स की बातें, ठीक है। ऑप्टिकल की और कहानी बता देता हूं, फिर हम स्ट्रक्चरल पे आते हैं पूरे अच्छे से। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट इन स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। क्या करते हैं कि जो भी सैंपल लेते हैं उसके अंदर से एक PPL पास करवाते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाते हैं। अगर उसने उसकी रोटेशन को चेंज कर दिया तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। RS कॉन्फिगरेशन सुनी होगी आपने, सिस ट्रांस भी पॉसिबल होते हैं, इस तरीके से काफी चीजें आएंगी तो उनकी डिस्कशन। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल का पार्ट है, ऑप्टिकल में RS कॉन्फिगरेशन आपको देखने को मिलती है, इनेंशियोमर्स देखने को मिलते हैं, डायस्टीरियोमर्स देखने को मिलते हैं, ये सारी बातें हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्ट्रक्चरल से शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रक्चरल में मैं आपको बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है ना, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चेन आइसोमर क्या होते हैं भाई। तो चेन आइसोमर इसकी फर्स्ट टाइप है। तो चेन से ही पता लग रहा है कि मेन चेन, पेरेंट चेन में डिफरेंस आ जाए। अगर आपकी जब आप IUPAC करते हैं तो आपको बोला जाता है कि लॉन्गेस्ट, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो उसको आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो उसको जब सिलेक्ट करना, अगर उस पेरेंट चेन में, अगर उस मेन चेन में डिफरेंस आ जाता है, ऐसे आइसोमर जो होंगे, दो कंपाउंड होंगे, उन्हें चेन आइसोमर बोला जाता है।
दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट द मेन चेन, पेरेंट चेन और साइड चेन शुड बी डिफरेंट, आपको मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो जबरदस्त क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऐसा कितने मिनिमम कार्बन का हाइड्रोकार्बन है जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा, ऐसा कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का हाइड्रोकार्बन है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा। तो क्या क्या आपका हाइड्रोकार्बन की बात की, और स्पेशली मैं अल्केन की ही बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं भाई, अल्केन की। तो क्या CH4 शो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इथेन शो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या प्रोपेन शो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो कौन करेगा जी, तो सबसे पहला जो करता वो करता ब्यूटेन। कौन करेगा भाई, ब्यूटेन। तो पहला अल्केन, पहला हाइड्रोकार्बन, पहला अल्केन है जो कि आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है। तो क्या करेंगे भाई, देखो ये वाला इमेजिनेशन का चैप्टर भाई, लेकिन बहुत आसान बना दूंगा मैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे मैंने चारों कार्बन को एक में रखा, तो इसको एन ब्यूटेन बोलूंगा। अब मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन को उठा के इस वाले कार्बन पे लगा दिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया भाई, आइसोब्यूटेन बन गया। क्या बन गया भाई तुम्हारा, आइसोब्यूटेन। तो देखो यहाँ पे आपका चार कार्बन है मेन चेन में, और यहाँ पे मेन चेन में तीन कार्बन है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हुए, क्या पेरेंट चेन चेंज होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर हुए भाई, चेन आइसोमर हुए। कितने आइसोमर हुए, चेन आइसोमर हुए। और कितने, कोई पूछ ले कि ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, तो ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या समझ में आ रही है पूरी कहानी आपको, तो दो होते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी प्रकार एन अल्केन क्या होता है भाई, तो अल्केन विदाउट एनी ब्रांच, एन अल्केन, एन वर्ड जैसे यहां पे मैंने लिखा था एन ब्यूटेन, कई बार मैं लिखूंगा एन पेंटेन। तो एन किसको बोला जाता है, तो एन अल्केन उनको बोला जाता है जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, यानी कि सिंगल चेन वो होती है, ठीक है। आइसो अल्केन किसे बोला जाता है भाई, एन माइनस वन कार्बन इन चेन एंड वन पुट ऑन सेकेंड कार्बन, यानी कि जितनी की भी वो कार्बन की चेन, मान लो ये चार कार्बन की चेन थी, तो मैंने तीन कार्बन रखे और दूसरी वाले पे मैंने कार्बन को लगा दिया, तो ये वाली जो अरेंजमेंट आई है इसको बोला जाता है आपका आइसो अल्केन। क्या बोला जाता है भाई, इसको आइसो अल्केन बोला जाता है। न्यू अल्केन क्या होता है भाई, न्यू अल्केन आपका फाइव पेंटेन के अंदर देखने को मिलेगा, एक दो तीन चार पांच, ये तो एन हो गया। अगर आइसो पेंटेन बनाना होता तो कैसे बनाते, यहां पे लगा दिया। अगर नियो बनाना तो आपको एक और, जितनी पेरेंट चेन में थी ना उसमें एक और कार्बन कम कर दो, तो एक दो तीन कर दिया और दूसरे वाले पे ही दोनों को लगा दो, तो ये आपका नियो पेंटेन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये आपका जैम में क्वेश्चन ये पूछा था भाई, जैम के अंदर, जैम 2016 के अंदर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा था स्ट्रक्चरल का। बहुत सारे एजुकेटर बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल तो आता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ स्ट्रक्चरल आता है नहीं। इस बार दो तीन क्वेश्चन आए स्ट्रक्चरल से, तीन क्वेश्चन आए स्ट्रक्चरल से, ठीक है। तो पेंटेन की कहानी क्या होती है भाई, तो पेंटेन एन पेंटेन बनेगा, आइसो पेंटेन बनेगा और आपका नियो पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा, नियो पेंटेन। तो कुल मिला के पेंटेन के कितने होते हैं, तीन होते हैं। हेक्जेन के बनाने पड़ जाए तो एन हेक्जेन हो गया, आइसो हेक्जेन हो गया, ये बना बना के देखने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दूसरी पोजिशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये तीसरी पोजिशन पे लगा हुआ है, तो ये पोजिशनल आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। अभी मैं पूरे स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से ये आइसो था, ये नियो था और एक ये बनेगा, तो कुल मिला के कितने बने, पांच। बस वैसे मैंने तो आपको हेप्टेन के भी बना के दिखा रखे हैं, हेप्टेन के नाइन होते, बस याद रखना। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, हेलो प्रियंका, ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना कि क्या ब्यूटेन, देखो मैंने ट्रिक बनाई थी 2 3 2 3 5, यानी कि दो और तीन को ऐड कर दो 5 बन जाएगा। क्या मतलब है जी इसका, क्या मतलब है, डायरेक्ट याद रखना कि ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, पेंटेन के तीन स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, पेंटेन के तीन स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं और आपका हेक्जेन के पांच स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। क्या ट्रिक बताई, 2 3 5 2 3 5, 2 + 3 = 5, ठीक है। तो ये किसकी बात की मैंने, सिर्फ एल्केन्स की बात की, हेप्टेन ज्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी पूछे तो मैंने बना दिया, आप खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है सर। टोटल कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूला है क्या, आशुतोष टोटल के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं है स्ट्रक्चरल में, तो बेसिकली इमेजिनेशन, आपको बना बना के देखनी पड़ेगी अरेंजमेंट, इसका क्या बन सकता है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है ना तो वो कमेंट कर देना, बाकी की बातें मत करना। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ पूछ रहे हो तो वो तो कमेंट करो, लेकिन बाकी की बातें नहीं करना, वो लास्ट में करेंगे जो एक्स्ट्रा बातें, लेकिन टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट आए तो पूछना बिल्कुल, वो सही है ना, मैं देख रहा हूं तुम्हारे सभी के कमेंट्स। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमर की। तो देखो भाई यहाँ पे क्या कि यहाँ पे कार्बन चेन तो क्या पता वही रहे, सेम रहे, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजिशन चेंज हो जाएगी। इट अकर व्हेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट पोजीशन ऑन द सेम कार्बन चेन, यानी कि
चेन आइसोमर में क्या था कि वहां पे आपका वहां पे क्या था भाई, वहां पे पेरेंट चेन आपकी डिफरेंट थी, यहाँ पे पेरेंट चेन तो सेम रहेगी लेकिन आपका पोजीशन देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन है लेकिन अल्कोहल पहली पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखो 1, 2 मतलब नेमिंग यहाँ से नहीं करेंगे सॉरी, यहाँ से 1, 2, 3, 4 कार्बन की ही चेन है लेकिन जो आपका अल्कोहल OH लगा हुआ है वो सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हैं, ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है भाई, कैसे आइसोमर सर प्लीज कन्फर्मेशन का पढ़ाना प्लीज भाई, बिल्कुल पूरा ही पढ़ाएंगे यार आशुतोष, कमाल कर रहे हैं, पूरा स्टीरियो पढ़ाएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, कन्फर्मेशन सारे बढ़ाएंगे अच्छे से। ये जाइलिन है भाई आपका ऑर्थो जाइलिन, देखो यहाँ पे 1, 2 पोजीशन पे है ये दोनों, यहाँ पे आपका 1, 3 पोजीशन पे है ये दोनों, यहाँ पे 1, 4 पोजीशन पे है, अरे पेरेंट चेन तो सेम थी ये 6 कार्बन बेंजीन के ऊपर, पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट्स की चेंज हो रही, तो ये भी एक दूसरे के कैसे आइसोमर है, ये भी एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है भाई, कैसे आइसोमर है पोजिशनल आइसोमर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अब देखो भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, पोजिशनल और चेन आइसोमर में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, समझ में ही नहीं आता, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी भाई, एक्स वाई नंबर ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, एक्स का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, और वाई का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विद कार्बन, यानी कि ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इस दो कंपाउंड के लिए दोनों के लिए अलग अलग एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों के लिए इस एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट आ जाए, कैसी आ जाए डिफरेंट आ जाए, तो वो एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे, अगर इन दोनों की एक्स वाई की वैल्यू सेम आ जाए तो वो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होंगे। कैसे काम करेगी ये ट्रिक थोड़ा सा अच्छे से समझा दो ना, हमें समझ में नहीं आया, अभी समझा देता हूँ। देखिए भाई सबसे पहले एक्स का मतलब क्या था, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन मेन चेन, तो 1, 2, 3, 4 तो 4 लिखा, क्या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा हो, नहीं भैया तो ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 लिखा मैंने, 40 आया। अब दूसरा वाला दिखाइए, तो यहाँ पे देखा 1, 2, 3 यानी कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन, ठीक है जी, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, यस हो रहा है भाई, कौन सा, ये वाला रहा, तो ये 30 बना गया। तो क्या XY नंबर सेम है, नहीं है जी, क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो कैसा आइसोमर, चेन आइसोमर, डिफरेंट है तो कैसा आइसोमर, चेन आइसोमर। अब ये वाला देखो 1, 2, 3 पेरेंट चेन में कितने कार्बन, ये रहा, कोई सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं जी कोई नहीं है, 40 बना। 1, 2, 3, 4 है, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा हो, नहीं है जी, 40 सेम आ गया, इसका मतलब ये दोनों के कैसे आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर, एक्स वाई की वैल्यू सेम, पोजिशनल, एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट, चेन आइसोमर। क्या समझ में आ रहा है क्या आप सभी बच्चों को, क्या क्लियर हो रही है चीजें, लंबी क्लास चलेगी, जैम के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पूरी क्लास देख लेना, ये पता लग जाएगा कि कुछ समझ में आता है या नहीं आता, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा फुल स्ट्रक्चरल आइसोमर के जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो भाई, अब ये पूरा क्वेश्चन इतने एग्जांपल्स में इतने करवा देता हूँ बच्चों को, वैसे ही क्लियर हो जाती है बहुत सारी चीजें, तो ये दोनों बताना है कि क्या है एक दूसरे के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर, देखो तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 6 और एक सब्स्टिट्यूएंट लगाओ तो 6 बना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 और 1 बना, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू सेम है, तो ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर भाई, पोजिशनल आइसोमर, कैसे आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है, ठीक है ना। उसके बाद देखो बी वाले की बात करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल, ये कैसे है, ये तो आइडेंटिकल है भाई, ये कोई स्ट्रक्चरल ही नहीं है जी, ये तो आइडेंटिकल है, कैसे जी, 1, 2, 2 पोजिशन पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे बी 1, 2 पोजिशन पे मिथाइल लगा हुआ है। कई बार ट्रिक्स फेल हो जाती हैं, इसीलिए मैं हमेशा कंसेप्ट पहले बताता हूँ उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ, कंसेप्ट पहले उसके बाद ट्रिक, ठीक है, क्योंकि ट्रिक भी देखो अपनी अपनी जगह पे ट्रिक भी सही होती है, लेकिन एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन होता है। तो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे भाई, इसको स्टार है ना, गलत कर सकते हैं बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में उतारना स्टार्ट कर दो अभी से, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। देखो भाई यहाँ पे आपको जो 6 मेंबर की रिंग दिख रही है, 6 और 2 सब्स्टिट्यूएंट 62 बना, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग है लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि आपका एक्स वाई नंबर डिफरेंट, तो कैसे आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर। ये वाले कैसे भाई, 6, 2, 6, 2 कैसे आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर होंगे, पोजिशनल। ये वाले कैसे आइसोमर, 6 मेंबर की चेन एक सब्स्टिट्यूएंट, 5 मेंबर की चेन 2 सब्स्टिट्यूएंट, कैसे आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट आए, कमेंट बॉक्स में लिखे, इसकी देखना भाई, ये भी बड़ा खूबसूरत है भाई, ये भी बच्चे बहुत सारे बच्चे इसको जल्दबाजी में गलती करेंगे,
1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलेंगे, 6 है जी और एक सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। यहाँ पे भी देखो ये चेन लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे जी, पोजिशनल है। अरे भाई फिर से गलती कर गए, ये पोजिशनल नहीं है, ये तो तुम्हारा आइडेंटिकल है। कैसे पता लगा जी आइडेंटिकल है? अरे देखो भाई वन, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। देखो भाई 1, 2 एंड 3 पोजिशन पे मिथाइल है, 1, 2, 3 पोजिशन पे मिथाइल है, ये फिर से क्या आ गए, ये एक दूसरे के। यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग दिखाई दे रही है साफ साफ, देखो यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग दिखाई दे रही है। तो 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग ही डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब चेन आइसोमर होंगे। एक्स वाई का वैल्यू निकाल के देख लेना चाहिए। ये वाला देखो भाई 6 और आपका 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 6 और 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक्स वाई की वैल्यू सेम आ गई, तो दीज आर पोजिशनल आइसोमर, दीज आर पोजिशनल आइसोमर। उसके बाद ये वाला देखना भाई, ये वाला भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया। देखो 1, 2, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। अरे भाई कार्बन ही सेम नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर ही सेम नहीं है, क्योंकि आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम चाहिए। जबरदस्त एंजॉयमेंट आ रहा है सर आशुतोष, मैंने कहा था मैं लाइव क्लास लिया करूंगा, और भी मैं अच्छा प्लेटफॉर्म भी तलाश कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लाइव क्लासेस भी देने की पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव कमेंट आए। इसमें थोड़ा सा यूट्यूब पे 1 या 2 मिनट बाद कमेंट्स आते हैं मेरे को, कोई बात नहीं, लेकिन एंजॉय कर पा रहे हो, डाउट तो ले ही सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई हमारा फंक्शनल आइसोमर की, तो बड़ा आसान होता है भाई, सबसे आसान फंक्शनल आइसोमर को देखना होता है, क्योंकि एक, एक दो पर्टिकुलर ग्रुप ही फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर। तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का पेयर बनता है। तो देखो भाई ये सी डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये COCH3 जो है आपका एस्टर है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देखो ये तो एसिडिक नेचर का होता है और ये एसिडिक नेचर का नहीं होता, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप देख लो चाहे बना के, लेकिन दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। और साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक आपका एस्टर है, यानी कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो तो अलग होंगी, तो इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमर है। कैसे आइसोमर है सर? कॉम्प्लेक्स रिंग कंपाउंड का कैसे निकालें चेन और पोजिशन? कॉम्प्लेक्स रिंग किसकी बात कर रहा भाई? कैसे सर ऐसे लाइव क्लास लिया करो? बिल्कुल भाई ऐसे ही लेता हूँ पंडित मैं तो, अभी कितनी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ लास्ट टाइम से, ठीक है? तो ये वाली बात हुई भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एस्टर है, तो इसका मतलब फंक्शनल। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है एस्टर है और यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसा है भाई फंक्शनल आइसोमर। भाई पिंकू वो वाली ट्रिक यूज करना, एक्स वाई वाली ट्रिक, कोई भी क्वेश्चन हो कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, एक्स वाई वाली ट्रिक से पोजिशनल और चेन को आसानी से देख पाओगे, ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे फंक्शनल साइनाइड और आते हैं एम्बिडेंट एंड लिगेंड शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे CN है, यहाँ पे NC है, दोनों फंक्शनल आइसोमर है। एल्डिहाइड और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल आई, पायरीन एंथ्रासीन इनके अंदर, ठीक है? रुको देखते हैं एक बार रुको, ठीक है? तो ये आपका एल्डिहाइड हुआ, ये आपका कीटोन हुआ, ये आपका कीटोन हुआ, ये आपका एल्डिहाइड हुआ, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। ऐसे ही आपका अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका ईथर है, कैसे आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर, ठीक है? उसके बाद थायोल एंड थायोइथर, थायोल एंड थायोइथर, ये थायोल है, ये थायोइथर है, ये दोनों भी कैसे हैं? ये दोनों भी आपका फंक्शनल आइसोमर है। अल्कोहल एंड फिनोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम्हें फिनोल है, ये क्या है? डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर वैसे लगा हुआ फिनोल है, और ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल एंड फिनोल आर ऑल्सो ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। हाँ सर बहुत हेल्प हो रहा है आपकी क्लास से, ठीक है भाई। अमाइंस जो होते हैं आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये भी एक दूसरे के कैसे आइसोमर होते हैं? ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के आइसोमर की, जिसका नाम होता है मेटामर्स, जिसका क्या नाम होता है भाई? मेटामेरिज्म, मेटामर्स। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर अकर व्हेन द आइसोमर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड द सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा एक मिनट में। देखो भाई ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, यानी कि बाइवेलेंट मतलब दो इसके साथ लगे हुए, तो यहाँ पे आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं और यहाँ पे हमें कैसा नजर आ रहा है? 1 कार्बन नजर आ रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां से 1 कार्बन को यहाँ पे प्लेस कर दूं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं,
मोलिकुलर फार्मूला में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये आपका एक इथाइल, ये आपका एक इथाइल डाइथाइल इथर बड़ा फेमस है, ये सोलवेंट के तौर पे यूज किया जाता है बहुत सारे रिएक्शंस में। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे बन गए भाई, मेटामर्स बन गए। बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट कौन कौन से ले सकते हो, अल्कोहल और फिनोल का कंसेप्ट एक बार बताना। ओके भाई देखो दोबारा से बता देता हूँ मैं, देखो भाई, अरे देखो फिनोल बोला जाता है इसको, देखो हमने क्या कि आइसोमर बताने, तो ये फिनोल है हमारा और यहाँ पे हमने CH3 लगा रखा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा और फिर OH लगा। अब ये कोई फिनोल नहीं है, फिनोल का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH लगना। फिनोल का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH का लगना। अब ये डायरेक्ट थोड़ी नहीं है, ये तो अल्कोहल है भाई, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है ये तो, ठीक है। ये आपका फिनोल है, तो ये होता है फिनोल। फिनोल और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप चाहे बना के देख लो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास की बात, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि पॉलीवेलेंट एंड बाइवेलेंट एटम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए भाई, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, ये सारे आपका पॉलीवेलेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाला देखो भाई, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे चार मेंबर की रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे तीन कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तीन मेंबर की रिंग कर दी और यहाँ पे कार्बन चार कर दीजिए। दीज आर मेटामर्स टू ईच अदर। मेटामर में क्या कि इस बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट एटम्स के अराउंड कार्बन की पोजिशन चेंज करते रहिए, काम बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ CH3 लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन के साथ CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, यानी कि फिर से पोजीशन चेंज होगी। तो दीज आर ऑल्सो मेटामर्स, ये फिर से मेटामर है। यहाँ पे देखो ओ जो है बेंजीन रिंग के साथ, ये दोनों आइडेंटिकल है भाई। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, कैसे, यहाँ पे इस बेंजीन के साथ ऑक्सीजन फिर CH3, यहाँ पे फिर OCH3, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं कि आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा, अरे कुछ अलग अरेंजमेंट निकल के आनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी अलग अरेंजमेंट थी, चार और तीन हो गई थी, यहाँ पे भी अलग अरेंजमेंट थी, इस क्वेश्चन में भी अलग अरेंजमेंट थी। यहाँ पे ऑक्सीजन CH3 के साथ जुड़ा हुआ था, सी डबल बॉन्ड ओ वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ। दीज आर आइडेंटिकल, दीज आर नॉट मेटामर्स टू ईच अदर। लास्ट वाला कौन सा भाई, फिर से बता दीजिए भाई, लास्ट वाला कौन सा है? अरे ऐसे नहीं, आप वो लिखो क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स थोड़े से एक दो मिनट लेट दिखाई देते हैं। आप ये लिखा करो सर, वो रिंग वाला बता दो, कुछ मतलब हिंट दो मुझे, क्योंकि लास्ट वाले का मुझे नहीं पता लगता। शायद आप ये पूछना चाह रहे थे जितना मैं एनालिसिस कर पाया हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे तीन कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे चार मेंबर की रिंग है। अगर मैं क्या करूँ कि इसको छोटी कर देता हूँ, क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, इसको मैंने तीन मेंबर की कर दिया और इसको मैंने चार कार्बन, यहां से एक वाला कार्बन उठा के यहाँ पे पटक दिया, तो बिल्कुल अलग होगी ना भाई अरेंजमेंट। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ तीन की चेन थी, यहाँ पे चार की चेन होगी, तो बिल्कुल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। ये तो पोजिशनल होगा ना, कौन से वाले की बात कर रहा भाई पोजिशनल, कौन से वाले की बात कर रहा पोजिशनल, ऐसे नहीं भाई, बताओ किस वाले की बात कर रहा पिंकू पोजिशनल की, रिंग वाला, ठीक है। हाय सर नायक, हाय, हेलो, वेलकम फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहा था पिंकू कमेंट में लिख देना, मैं देख के बताऊंगा। रिंग चेन आइसोमर की बात करते हैं, सबसे आसान जो आइसोमर देखना होता है रिंग चेन। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि एक रिंग होगी और एक चेन होगी, एक रिंग होगी और एक चेन होगी। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमर वन आइसोमर इज ओपन चेन बट अनदर इज साइक्लिक। देखो ये वाला जो फॉर्मूला प्रोपीन है, अब इसी से मैं ये बनाऊंगा तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज होगा क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बेंजीन रिंग वाला पोजिशन होगा ना। कौन से की बात कर रहा है भाई, इस वाले की बात कर रहा है, क्यों पोजीशन होगा भाई? ये वाला कोई पोजीशन नहीं होगा, ये दोनों आइडेंटिकल है, पोजीशन कैसे होगा भाई? नेमिंग तो यहीं से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3, यहां से ही करोगे ना, 1 2 3 जो भी है, मतलब ये आइडेंटिकल होगा, कोई पोजीशन नहीं होगा भाई, कोई पोजीशन नहीं होगा, आइडेंटिकल होगा ये वाला, अगर आप इसकी बात कर रहे थे तो, ठीक है। और बेंजीन वाले की कौन से की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे पोजिशनल ना बोल के। अभी मैं बताऊंगा पिंकू, अभी मैं क्लियर करता हूं, देख मैं बताता हूं, हो सकता है पोजिशनल हो लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मैं बताता हूँ पिंकू, ठीक है ना, अभी सुनना इसमें। तो देखो भैया रहा, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन, यानी कि एक चेन है एक रिंग है, एक दूसरे के कैसे हैं, रिंग चेन है, सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो भाई अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा हो कि ये भाई ये इसके अंदर कौन कौन से आइसोमर है, तो सबसे पहले आपको फंक्शनल आइसोमर देखने हैं उन दो कंपाउंड्स के अंदर। सबसे पहले आपको ये देखना है आइडेंटिकल का ऊपर वाला, हाँ हाँ
अभी समझ गया मैं पिंकू तेरी बात को, है ना। देखो फंक्शनल जो है, सबसे पहले आपको फंक्शनल आइसोमर देखना है, अगर वो फंक्शनल आइसोमर नहीं है फिर आपको मेटामर्स देखना है। अब मेरे हिसाब से पिंकू का जवाब क्लियर हो जाएगा, अगर वो फंक्शनल नहीं है तो मेटामर्स देखना है, अगर वो मेटामर भी नहीं लग रहा तो फिर आपको चेन पोजिशन या रिंग चेन देखना है। सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर को देखते हैं अगर कोई भी कंपाउंड गिवन हो, फिर मेटामर्स को देखते हैं, अगर वो मेटामर भी नहीं है चेन और पोजीशन को देखना, मैंने काफी अच्छे से बताया एक्स वाई ट्रिक से, और रिंग चेन वाला तो आसानी से सभी को दिख ही जाता है। अब पिंकू ने जो सवाल पूछा था उसका ये जवाब आ गया है कि भाई उसने बोला ये तो पोजिशनल होना चाहिए, भाई पोजिशनल से पहले ये तो हमें मेटामर्स दिख रहा हमारा, क्योंकि देखो इसके अराउंड पोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है ना, इसके अराउंड पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये आपका मेटामर की ही कैटेगरी में हम इसको लिखेंगे। पोजिशनल भी होगा बिल्कुल, ऐसा नहीं कि पोजिशन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों होगा, मेटामर भी होगा प्लस में पोजिशनल भी होगा, मेटामर भी होगा प्लस पोजिशनल में होगा, लेकिन प्रायोरिटी हम मेटामर को देंगे, लेकिन दोनों होगा पिंकू, ठीक है ना, दोनों होगा। चलिए भाई अब समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर देखना कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, बोला कि कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये क्या है भाई एक दूसरे के, देखो यहाँ पे अगर बात करें वन टू टू पोजिशन पे सीओ सी एस थ्री है, यहाँ पे क्या भाई वन टू थ्री पोजिशन पे सीओ सी एस थ्री है, यानी कि एक तो ये पोजिशनल आइसोमर हो गई, एक तो ये कैसा आइसोमर होंगे, पोजिशनल आइसोमर होंगे भाई, हाँ ये तो कन्फर्म। दूसरा ये मेटामर भी तो है भाई, क्यों है सर मेटामर, अरे मैंने अभी अभी बताया सी डबल बॉन्डो के अराउंड यहाँ पे एक कार्बन नजर आ रहा है, यहाँ पे तीन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दो और दो नजर आ रहे हैं, तो ये मेटामर भी होंगे। तो पी का जो आएगा, पी का जो आएगा वन और टू आएगा, पी का जो आएगा वो वन और टू आएगा, समझ पा रहे हो। ये देखो भाई ये फिनोल है, ये फिनोल है और ये अल्कोहल है, फिनोल और अल्कोहल कैसे होते हैं जी, फंक्शनल आइसोमर होते हैं जी, कैसे होते हैं भाई, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर थ्री आ जाएगा। उसके बाद आर की बात करते हैं, ये क्या भाई, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये तो पोजिशन है जी, ये तो क्या है जी, पोजिशन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, वन टू क्या थ्री। एम सी क्यू में ट्रिक टिक करेंगे अगर दोनों ऑप्शन देगा, देखा देगा होगा ऑप्शन होगा तो एम सी क्यू में मेटामर ट्रिक करेंगे, मेटामर क्योंकि मेटामर को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, ठीक है मेटामर। ओके तो क्या सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर समझ में आए आपको, टोटोमर की एक अलग से क्लास लेंगे क्योंकि टोटोमर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हर जो आपकी रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, वहां पे टैटोमेरिज्म का बड़ा जबरदस्त यूज होता है, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं टोटोमेरिज्म के, जैसे जैम 2020 में देखने को मिला था टोटोमेरिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की देखो भाई देख लो ये सेम नोट्स हैं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं कर रखा, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जैम 2020 के अंदर, और पीछे स्ट्रक्चरल से भी एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने पूरा स्ट्रक्चरल का कंसेप्ट जान लिया तो आप उस क्वेश्चन को इजीली करेक्ट करोगे, वो दोनों ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो क्या जैम 2020 से यहां से क्वेश्चन आया था, देखना भाई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तीन नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है, बड़ा फेमस टॉपिक है, यह आपका हेल्प करता है भाई, कई बार ऐसे फॉर्मूला दे देते हैं बड़ा बना के C6H12 या C6H8O, बताइए भाई कितने आइसोमर पॉसिबल हैं इसके, चेन आइसोमर, तो बड़ा हेल्प करता है ये, हमें बड़ी हेल्प करेगा भाई। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें ये पता लग जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, कितनी रिंग होगी, ये चीज पता लग जाती है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से, जबरदस्त है भाई, इमेजिन करवाने में हेल्प करता है आपका। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, सारी ही एक बात है, देखना कितना आसान बना दूंगा मैं, देखना अगर आपको कहीं पे भी निकालना हो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, दो तीन मेथड बताऊंगा, एक मेथड भी नहीं, दो तीन मेथड जो अच्छा लगे वो ले लेना, और वो क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा जैम 2020 का। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है भाई 1/2 2C + 2 - M + T, जिसको याद रखना रख लेना, लेकिन एक ऐसा बताऊंगा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम का मतलब जिनकी वैलेंसी वन हो, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, टी का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम, नाइट्रोजन एल्युमिनियम इस टाइप के। और देखो मान लो ये वाला कंपाउंड है, भी बोलेंगे C4H8 बेसिकली ब्यूटीन है, तो बोलेंगे ब्यूटीन के अंदर की बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, ठीक है ना। तो देखो भाई तो क्या करोगे 1/2, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 पुट करें मैंने, उसके बाद 2 तो प्लस करना ही होता फॉर्मूले में, उसके बाद देखो माइनस एम, मोनोवेलेंट कितने हैं, तो मोनोवेलेंट तो 8 है, कोई ट्राइवेलेंट है नहीं है जी, तो इसको सोल्व किया हमने, 8 में से 8 गया,
इस 8 में से 8 माइनस हुआ 2 बाई 2 करोगे तो 1, यानी कि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है 1 है। एक तो ये मेथड है भाई। अब जिसमें भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 आ जाए ना, उसका मतलब या तो उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर वो कंपाउंड में एक रिंग पॉसिबल है। जहां पे भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की वैल्यू 1 आ जाए, इसका मतलब होता है या तो वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर वो उसमें एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। बस ठीक है, बात समझ में आई होगी। अभी एक और मेथड बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, एक और मेथड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर 2 हो तो वहां पे या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, या तो वहां पे 2 डबल बॉन्ड होंगे, यहां पे या फिर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, या डबल 2 नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ये मिटा दिया मैंने, या वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा और एक रिंग होगी, या फिर उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा और एक रिंग होगी, एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा भाई, 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। जैसे कि इस कंपाउंड का निकालना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो क्या करोगे, 1/2, कार्बन 3 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन ये तो 2 ऐड करते करते थे, और ये क्या करते थे 6। ट्राइवेलेंट है क्या, कोई नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट होता है, तो सोल किया वन आ गया, इसके अंदर या तो एक रिंग पॉसिबल। एक और मेथड बताता हूं, देखो भाई एक और मेथड, सेकंड मेथड, बड़ा आसान मेथड मुझे अच्छा लगता है, जो सेकंड मेथड बताता हूं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, C4H8 क्या है, C4H8 इसमें बताइए कितनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। तो क्या करो भाई, देखो इसमें क्या करो, मोनोवेलेंट को पड़ा रहने दो, मोनोवेलेंट को रखो है ना, और बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट को इग्नोर करो, नहीं सॉरी बाइवेलेंट को इग्नोर करो, इग्नोर अगर है तो उसको देखो ही मत, कुछ है नहीं, और ट्राइवेलेंट को मोनोवेलेंट मान लो, ट्राइवेलेंट को क्या कर लो, मोनोवेलेंट मान लो, क्या बोला मैंने, मोनोवेलेंट को पढ़ा रहने दो, ट्राइवेलेंट को मोनोवेलेंट मान लो, और बाइवेलेंट को इग्नोर कर दो। जैसे कि देखो यहां पे ये रहा ठीक है, C4H8 कोई ट्राइवेलेंट है ही नहीं, तो ये रहा। इस फार्मूले को कंपेयर करो इसके अल्केन वाले फार्मूले से, जैसे C4 तो H2N+2 होना था, यानी कि 10 होना था है ना, अल्केन से कंपेयर करो, CnHn2+2 को कंपेयर करो, जितने हाइड्रोजन की कमी दिखे। अब देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन की कमी, तो 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से एक आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है, 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। क्या समझ में आ रही है क्या बात, अच्छा लग रहा है। देखो एक और मेथड बताता हूं दोबारा, जैसे उस क्वेश्चन का बता देता हूं जो था इसका, अगर इसका निकालना तो क्या बोला मैंने, क्या बोला कि C3 ऐसा कैसा पड़े रहने दो, हाइड्रोजन को ऐसा कैसा पड़े रहने दो, बाइवेलेंट को इग्नोर कर दो, इस फॉर्मूले का कंपेयर करो इसके, 3N8 होना चाहिए था भाई, कितना होना चाहिए था 8, बट है कितना 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन की कमी है, अगर 2 हाइड्रोजन की कमी तो 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा ना, अगर 2 हाइड्रोजन की कमी है तो 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा ना, बोलो भाई समझ में आया। अब मैं बात करता हूं जैम में जो क्वेश्चन आया था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का, जैम 2020 के अंदर, उस क्वेश्चन की बात करता हूं फटाफट से। तो वो क्वेश्चन मैंने लिया रहा, ये रहा भाई, वो देखो भाई, अब देखो मेरी खास बात होती है ना, जब मैं टॉपिक करवाता हूं तो सारे ही क्वेश्चन करवाता हूं, तो ये क्वेश्चन पूछा जैम 2020 के अंदर, देखना कितना आसान है, अब सारे बच्चे कर देंगे। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, अभी मैंने क्या बोला आपको, मेरे वाला मेथड यूज करो, कि क्या करो कि कार्बन ऐसे कैसा पड़ा रहने दो, हाइड्रोजन को ऐसे कैसा पड़ा रहने दो, बाइवेलेंट को इग्नोर कर दो, बाइवेलेंट को इग्नोर कर दो, इस फार्मूले को कंपेयर करो इसके अल्केन वाले फार्मूले से, C14H30 आना चाहिए था, C14H30 आना चाहिए था, तो यहां से आप माइनस करोगे तो 18 हाइड्रोजन आएंगे, 18 हाइड्रोजन, यानी कि 18 हाइड्रोजन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आता है, 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आता है, तो 18 हाइड्रोजन की वजह से कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा, 9 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा। बोलो भाई क्या क्लियर हुआ, यही क्वेश्चन था जैम 2020 का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखो भाई डायरेक्ट मेरे नोट से था या नहीं था बताओ भाई, अभी तुम्हें लग रहा है कि डायरेक्ट सर ने ऐसा कंसेप्ट पढ़ा रखा था, और उस फॉर्मूले से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो कुछ था भाई नहीं था। मैं हमेशा बच्चों की एक बात बोलता था लास्ट तक, रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो, मैं आशा करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ने इसको करेक्ट किया होगा। चलो भाई एक और क्वेश्चन आया, देखना तुम बताना क्या वो मेरा करवाया हुआ था। देखो ये भी आपका जैम 2020 का ही क्वेश्चन था, किसका था, जैम 2020 का ही क्वेश्चन था। क्या पूछा गया भाई, देखो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोइंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। तो पहली चीज बोली गई क्या, 1, 2, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या,
भाई कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि साफ साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर तो पूरे कंपाउंड के अंदर ही कॉन्जुगेशन नहीं है, तो थ्री कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है? मान लो एक और दो हो भी, एक बार हमने मान लिया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमने मान लिया कि एक और दो में रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन थ्री में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर डालो ना, पहला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात यह आई कि वन टू एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और तीन इनका आइसोमर है वन और टू का। अच्छा भाई देखते हैं क्या वन और थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है? अब एक चीज क्लियर कर लेते हैं, क्या वन और टू एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? देखो भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर मैं किसी कंपाउंड के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज होती है। किसकी पोजीशन चेंज होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? देखो डबल यहां पे लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा, यहां पे। कोई हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। हाँ भाई टिफर का रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल टिफर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी नहीं चेंज होती है, ऐसा थोड़ी नहीं हुआ कि यहां से हाइड्रोजन ही चेंज होगा। तो कभी भी हाइड्रोजन की एक और मैं बना के दिखा देता हूं, जैसे ये वाला देख लो आप, ठीक है। मान लो कि हमारे को ये है भाई हमारे पास, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हो तो वन और यहाँ पे वन पोजीशन पे हाइड्रोजन और दूसरे पे हाइड्रोजन है, यहाँ वन और थ्री पे हाइड्रोजन है, तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पोजीशन भी चेंज हो जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन टू थ्री इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोला जाता है, सभी बच्चे ये बात याद रखना कि स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोला जाता है। अब रही बात ये रहा भाई, ठीक है। अब बात करता हूं, देखो मैं एक और क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट मेरे क्लास नोट से है, मैंने पूरा करवाया, उसने इस क्वेश्चन को काट दिया। दिखाऊं ये क्वेश्चन कौन सा है, दिखाऊं ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो भाई डायरेक्ट मेरे क्लास नोट से, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो भाई, नहीं ये वाला, हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये मेरा नहीं, ये मेरा अभी भी रिकॉर्डेड है, आपको अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊं तो दिखा सकता हूं कि ये मेरा सेशन रिकॉर्डेड है, अभी भी अवेलेबल है। तो हाउ इसने आधा किया क्वेश्चन को, मैंने पूरा किया, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C9H18 दैट हैव सिक्स मेंबर रिंग एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। उसने इस क्वेश्चन को आधा करके पूछा, उसने यहां से पूछा कि सिक्स मेंबर रिंग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कितने पॉसिबल है, और मैंने इसको पूरा पूरा लिख रखा है इस क्वेश्चन को। अरे बात तो वही है, बात तो वही है स्टूडेंट्स, तो एन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा ना, समझ में नहीं आ पिंकू, दोबारा से लिख अच्छे से क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो भाई सेम क्वेश्चन जैम 2020 में पूछा था और ये मैंने इसका सॉल्यूशन भी करवाया था बच्चों को, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। तो उस क्वेश्चन पहले थोड़ा सा और एक बार टॉपिक के ऊपर आते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सोल्व करवाऊंगा पूरा, पहले मैं आपका थोड़ा सा मूड बना देता हूँ और अच्छे से। क्लास में बोर तो नहीं हो रहे हो, मजा आ रहा है ना, टाइम का पता तो नहीं लग रहा है ना, लगना भी नहीं चाहिए। अब देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर स्ट्रक्चरल से अच्छा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना एग्जामिनर, मेरे हिसाब से यहां से पूछना चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल से अच्छा क्वेश्चन पूछता, जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं यहां से स्ट्रक्चरल के, तो देखो भाई अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो अल्केन होता है ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, उसके साथ कोई उसको किसी उसके साथ उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर बना दो, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। जैसे अल्काइल हैलाइड आपने सुना होगा, अल्काइल हैलाइड, जैसे कि CH4 मीथेन होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl लगा दिया तो इसे बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, यानी कि ये जो CH3 बना है ना, CH3 बना, इसको अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? देखो भाई तो CH4 से निकालोगे मिथाइल बनेगा, इथाइल बनेगा, यहाँ से दो चीजें पॉसिबल होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट हो गया अगेन। तो दो चीजें निकलती हैं, एच नेगेटिव को निकालो यहाँ से, एक तो आपका एन प्रोपाइल बनेगा और दूसरा आइसोप्रोपाइल बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे भी तो, यहाँ से भी तो अटैच हो सकता है ये, तो ये यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना आपका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि जो ब्यूटाइल, जो प्रोपाइल होता है, प्रोपाइल के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, तो प्रोपाइल के दो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। देखना कैसे पता लगेगा कि ये कितना आसान हो जाएगा, तो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले की बात करते हैं, ब्यूटाइल के कितने होते हैं, ब्यूटाइल के, तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि ब्यूटेन के कितने होते हैं, ब्यूटाइल ब्यूटेन, पहले आप ब्यूटेन के बना लिया करो,
पहले आप ब्यूटेन के बनाओ, तो ब्यूटेन की मैंने ट्रिक बताई थी 2-3-5, याद है ना, 2-3-5, 2-3-5, ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्जेन के 5, तो 2 बनाओ। कौन कौन से 2 बनाए थे? एक तो ये वाला बनाया था और दूसरा कौन सा बनाया था? ये वाला बनाया था। पहले तो 2 आप इनके बना लो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लगा लगा के देखो, पोजीशन चेंज कर करके देखो। एक ऐसा ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे ये लगाऊं कोई सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एक तो ये बन गया जी, सही बात कही थी आपने। दूसरा यहां से ये भी तो पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे इमेजिनेशन का काम आता है जबरदस्त वाला, तो 2 ये बने भाई, 2 ये बने। तीसरा यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या, तीसरा तो सेम ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। सर मेरा मतलब है कि नाइट्रोजन के पास अगर डबल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, वरना 4 बॉन्ड हो जाएगा। समझ में नहीं आया सर, टिफर का प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दो। पिंकू कोई बात नहीं, तुम मुझे ना व्हाट्सएप पे लिख देना, मुझे अभी सही से समझ में नहीं आ रहा, या फिर लास्ट में देखता हूँ तेरा इसका, ठीक है। एक बार वो, अब यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब देखो एक तो यहाँ पे लग सकता है और एक और लगेगा जी, एक और कहाँ पे लगेगा, एक और यहाँ पे भी तो लग सकता है जी। तो ब्यूटाइल के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होते हैं, ब्यूटाइल की बात हो रही है, ब्यूटेन की नहीं। ब्यूटेन के तो 2 थे, ब्यूटाइल के 4 होंगे, ब्यूटाइल के कितने होंगे, 4 होंगे। तो कभी भी अगर आपको ब्यूटाइल अल्काइल का अगर बनाना हो तो क्या कीजिए, पहले उसके सिंपल ब्यूटेन के बना लीजिए और उसमें फिर आप सब्स्टिट्यूएंट प्लेस कर करके देखिए, ठीक है। अब सभी बच्चे पेंटाइल का भी मैं बना के दिखा देता हूँ, हेक्साइल का होमवर्क दूंगा, हेक्साइल का आपको घर से ट्राई करना है। तो पेंटाइल के लिए क्या करोगे, पहले पेंटेन के बना लो, 3 बताए थे मैंने, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन एंड नियो पेंटेन, तो ये तीनों बनाओ पहले, तो पहले तो ये तीनों बनाओ। तो हमने ये पहले तीनों बना लिए हैं जी, पहले ये तीनों बना लिए हैं। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद पोजीशन को लगा लगा के देखो, एक बार यहाँ पे लगाया, दूसरी बार यहाँ पे लगाया, तीसरी बार यहाँ पे लगाया, बस 3 ही पॉसिबल हैं। उसके बाद देखो सेकंड वाला उठाओ, एक बार यहाँ पे लगाया, एक बार यहाँ पे, देखना कि अलग अरेंजमेंट आनी चाहिए, लगाने के बाद अलग अरेंजमेंट आनी चाहिए। तो ये आया, उसके बाद यहाँ पे लगाया, तो फिर से लगाया, यहाँ पे लगाया, तो फिर से लगाया, तो 4 यहाँ से देखने को मिले, 3 यहाँ से देखने को मिले, 4 यहाँ से देखने को मिले। फिर नियो पेंटाइन वाले पे तो एक ही पॉसिबल है, या इस कार्बन पे लगाओ, या इस कार्बन पे लगाओ, या इस कार्बन पे लगाओ, या किसी पे भी लगाओ, एक ही पॉसिबल है। तो कुल मिला के देखो भाई, ब्यूटाइल के कितने, सॉरी प्रोपाइल के कितने, प्रोपाइल के 2, प्रोपाइल के कितने, 2, ब्यूटाइल के कितने, 4, ब्यूटाइल के कितने, 4। और अब पेंटाइल का निकालना है, वहां पे ऐड करवाया था मैंने, वहां पे एडिशन करवाया था मैंने, और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। विक्रांत पूछ रहा सर बेस्ट बुक बता दो, अरे भाई ज्यादा तारीफ तो नहीं करता, बेस्ट बुक ये बैठी यार सामने, इतने अच्छे क्वेश्चन, इतना सिलेक्टेड मटेरियल निकाल के दे रखा है, यानी कि बेस्ट बुक एक अच्छा टीचर होती है। क्योंकि टीचर क्या करता है भाई, बहुत सारे बुक को पढ़ के, बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर करके, जीएनयू का भी कराएगा, बीएचयू का भी कराएगा, बुक में तो नहीं मिलेंगे इतने क्वेश्चन। तो भाई पढ़ो, कितना अच्छा कंसेप्ट, कोई कमी है कंसेप्ट में, है तो बताओ, ठीक है। वैसे बुक्स भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप ना पढ़ो, एक टीचर से पढ़ो पहले आप कंसेप्ट को। बुक पढ़ने के लिए आप जब एमएससी में चले जाओगे, वहां पे पढ़ना बहुत सारा टाइम्स होगा, ठीक है। एमएससी के बाद पीएचडी करोगे, जब पढ़ना बहुत सारा टाइम्स होगा। सर बीएचयू जीएनयू वगैरह के लिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं क्या? बिल्कुल हो गए हैं प्रियंका, बिल्कुल रोज अपलोड होती है वीडियो, लगभग डेली ही अपलोड होती है। अब देखो भाई इसका यूज कैसे होता है, इन क्वेश्चंस का यूज कैसे होता है, तो देखो भाई, फाइंड अ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ओनली स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, स्ट्रक्चरल बताने से, मोनो देखो, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव यानी कि ब्यूटेन लिया, इसमें अगर क्लोरीनेशन करवाए तो कितनी स्ट्रक्चरल पॉसिबल होगी। अरे भाई अभी अभी बताया ब्यूटाइल के कितने पॉसिबल होते हैं, 4 पॉसिबल होते हैं। तो देखो इसीलिए मैंने बोला था डायरेक्ट याद रखना, अगर याद रखोगे तो टाइम बच जाएगा, और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस बार जैम का पेपर बहुत लेंथी था, टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 4 दिख रहे हैं, तो देखो एक यहाँ पे लगाया सीएल, यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अरेंजमेंट है। फिर यहाँ पे लगाया, सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं, स्टीरियो भी आएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी मैं स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ। तो 3 और 4, तो कितना करेक्ट आंसर आया, 4। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर ऑफ फार्मूला दिस। इसमें आपको टोटल अल्कोहल और ईथर बताने इस फार्मूला के लिए। तो ब्यूटाइल OH बाहर निकालो, ये ब्यूटाइल बन गया। यहां से देखना ये वाला, पहले तो देखो इसके तो 4 पॉसिबल है, बना लोगे 4, मैंने अच्छे से समझा दिया है, 4 बना लोगे ना, बिल्कुल बना लेंगे भाई बच्चे। इसके बाद इसकी बात करते हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो एक बार तो ये बनेगा। अब इसके 2 बनेंगे, 2 बनेंगे कैसे, एक तो ये एन प्रोपेन आएगा और एक आइसोप्रोपेन भी तो पॉसिबल है। बच्चे ये 2 बना के आ जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, ये 2 तो आसानी से बना देते हैं बच्चे, लेकिन ये वाला भी तो आएगा ना भाई, ये वाला भी तो काफी खूबसूरत, काफी देखो भाई बच्चे मिस्टेक करेंगे इसमें,
मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बच्चे किसमें मिस्टेक करते हैं, तो बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे। याद रखना ये वाला, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 4 + 3 = 7। तो सॉरी, तो C4H10O के पास कितने स्ट्रक्चरल, कितने अल्कोहल पॉसिबल होंगे? अल्कोहल और इधर सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात चल रही है, 7 पॉसिबल होंगे। कितने? 7। स्टीरियो पूछेगा तो स्टीरियो सेंटर भी देख के डबल करना पड़ेगा। तो क्या एंजॉय कर पा रहे होगा क्लास को? भाई कमेंट में है ना थोड़ा सा मोटिवेशन भी देते रहो ना टीचर को, टीचर आपको पढ़ा रहा है इतनी देर से, है ना, एनर्जी वेस्ट भी हो रही है, तो आपका मोटिवेशन तो बनता है। आपको ये तो लगना चाहिए कि सर चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। सर फ्रांसिस कह रही है ठीक है स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, नहीं भाई मैंने तो पढ़ के देखी नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैंने पढ़ी नहीं है ये वाली बुक जो आप बोल रहे हो। मैंने लगभग मैं नॉर्मल ही बुक्स पढ़ता हूँ, कोई ज़्यादा फॉरेन राइटर्स की बुक भी नहीं पढ़ी हुई मैंने। ठीक है, नॉर्मल ही पढ़ रखी है। कोई भी आप नॉर्मल बुक पढ़ दीजिए, जेई के लिए जो हो अच्छी थ्योरी की बुक वो पढ़ दीजिए। जैसे एक बुक मेरे पास यहाँ पे पढ़ी, काफी अच्छी बुक है ये भी, अगर आप इससे पढ़ोगे। इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है। कौन सा पब्लिकेशन? GKP पब्लिकेशन है। कौन सा पब्लिकेशन? GKP पब्लिकेशन है। इसकी पढ़ दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी अच्छी बुक्स है, लैंग्वेज आसान है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो पा रही है, वाओ वेरी गुड प्रियंका, यही चाहता हूं मैं। थैंक्स, वेलकम। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फॉर दिस फॉर्मूला। देखो भाई बड़ा आसान हो जाएगा, एल्डिहाइड अलग निकाल दो, एल्डिहाइड अलग निकाल दो, ब्यूटाइल बन गया। कीटोन अलग निकाल दो, इसके दो बनते हैं, प्रोपाइल के दो बनते हैं, मैंने आपको करवाया हुआ है, प्रोपाइल के दो बनते हैं, तो इसके तो चार इजिली बना लोगे। सर यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। अरे भाई धन्यवाद आपका। सर क्लास का देखो सब समझ जाओगे, सर का क्लास देखो सब समझ जाओगे। अच्छा पिंकू धन्यवाद भाई। ठीक है चलिए, तो ये बात मैंने आपको बताई कि चार, ये तो आसानी से, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, है ना। और एक चीज और है भाई, देखो बोर्ड पे जो टीचर पढ़ाता है ना, लिखने में कितना टाइम वेस्ट होता है। मुझे तो काफी अच्छा लगता है क्योंकि टाइम सेव होता है। चार घंटे की चीज, अगर यही कंसेप्ट अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता ना तो चार घंटे में खत्म होते हैं, और अब मैं लगभग ये 2 आवर में या 1.5 आवर में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी का कुछ तो यूज करना चाहिए। जबरदस्त क्लियरिटी दिख रही होगी आपको, काफी अच्छा लग रहा होगा। तो कीटोन बताने, चार तो एल्डिहाइड पॉसिबल होंगे और आपका दो यहां से बनेंगे और एक यहां से बनेगा, तो कुल मिला के 3 कीटोन आएंगे। तो इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4 + 3 = 7। 4 + 3 = 7। मुझे भी बहुत कंसेप्ट सीखने को मिले सर, थैंक यू पिंकू, वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अगर जैम 21 में आ जाए तो मजा आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम शायद ना भी कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यूज होता है भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जो बच्चे बोल रहे थे ना कि मैं ही बोल रहा था, तो सर प्लीज एक्सप्लेन स्लो। अच्छा फास्ट हूँ क्या मैं थोड़ा सा? अरे यार चलो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ाता हूँ। वैसे फास्ट हूँ क्योंकि कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोच रहा है। चलो देखो, इफ एक्स इज एसाइक्लिक आइसोमर, एक्स आइसाइक्लिक आइसोमर है, वाई साइक्लिक आइसोमर है, तो आपको बताना एक्स माइनस वाई क्या होगा। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जैम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसके लिए? किसके लिए? पेंटीन के लिए। किसके लिए? पेंटीन। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला पड़ो करो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? ना कोई डाइवेलेंट ना कोई ट्राइवेलेंट, डाइवेलेंट को इग्नोर करो, ट्राइवेलेंट को मोनोवेलेंट बना दो। इस फॉर्मूले को कंपेयर करो C5H12 से। कितने हाइड्रोजन की कमी? 2 हाइड्रोजन की कमी, इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा या फिर एक रिंग प्रेजेंट रही होगी, कितने मेंबर की भी वो हो सकती है, एक रिंग। तो आओ तो देखो भाई इसके मैं बनाता हूँ सारे। तो देखो अगर इसके अंदर एक डबल बॉन्ड दिखाना है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अलग है, 1 2 पे है, ये 2 3 पे है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था जो पेंटाइल होता है, पेंटाइल के 6 होते हैं, वैसे पेंटाइल के कितने होते थे? 6 बताए थे मैंने, लेकिन यहाँ पे 5 ही है क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो ये बना के देखना पड़ेगा आपको, पॉसिबिलिटीज बना बना के देखनी पड़ेंगी ना, पॉसिबिलिटीज बना बना के देखना। तो कितने आगे भाई? 5 आगे। उसके बाद साइक्लिक निकाल लें तो सबसे छोटी रिंग कितने मेंबर की होती है? 3 मेंबर की होती है। तो ये बनाया भाई 3 मेंबर की रिंग, तो यहाँ पे ये 3 मेंबर की रिंग, यहाँ पे दोनों एक जगह पे लगे हुए थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग जगह पे लगे हुए, यहाँ पे 2 बने, फिर 3 मेंबर की रिंग और इथाइल इस तरीके से लगाया, फिर आपके 4 मेंबर की रिंग मिथाइल इस तरीके से लगाया, और फिर 5 मेंबर की रिंग आ गई। तो कितने आइसोमर आ गए भाई टोटल?
कितने साइक्लिक हैं, तो पांच तो साइक्लिक हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के, छह मेंबर की रिंग पॉसिबल हो सकती है क्या? अरे जी कार्बन ही पांच है, छह मेंबर के कैसे बना दोगे, क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ, क्यों मजे ले रहे हो हमारे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, 5 + 5 = 5 + 5 = कितना आएगा भाई, 10 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई, 10 इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई क्या समझ में आ रहा है, वो क्लियर है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, देखने को मिल सकता है एग्जाम। चलिए भाई अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट की। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, और देखो आई भी सारी स्टीरियो मेरी करवाई हुई आई, देखो ये क्वेश्चन वो फिर से आ गया जो जैम 20 के अंदर आया ना, जैम 2020 के अंदर देख लो यही क्वेश्चन है, जैम 2020 के अंदर, जैम 2020 के अंदर सेम क्वेश्चन, अब देख लो मेरे क्लास नोट से सेम क्वेश्चन जैम 2020 के अंदर है ना। देखो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर पॉसिबल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जो तीन मेंबर की रिंग बनाते हैं उसे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला रहे और थ्री मेंबर के रिंग बनाते हुए हो तो कितने पॉसिबल हैं। देखो तीन मेंबर की रिंग बना लो पहले, तो उसके बाद आप इनकी पोजीशन को चेंज, तो देखो तीनों को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 1, 2, 3 पे, बिल्कुल लगा सकता हूँ। एक ऐसा कर सकता हूँ कि एक ही कार्बन पे दो मिथाइल लगा दूं और एक पे एक दूसरा लगा दूं, ठीक है, एक पे इथाइल लगा दूं और एक पे, ऐसे क्वेश्चन भाई आपको पहले ट्राई किए हुए होने चाहिए, ये भी बता रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पहले ट्राई किए हुए होने चाहिए जब ही जाके बात बनेगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक इथाइल और इसको यहीं पे लगाया, फिर मैंने आपका ये प्रोपाइल लगा दिया यहाँ पे, कैसा लगा दिया भाई प्रोपाइल, और फिर मैंने लास्ट में ये लगा दिया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 6 is the correct answer। क्या समझ पाए क्या। लो जी अब आते हैं जैम 2020 के क्वेश्चन जो कि मैंने पहले ही करवा दिया था मेरे स्टूडेंट्स को, तो देखो कितनी हेल्प मिली होगी उनको। तो बोला गया हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C9H18 that have a 6-membered ring, जिसकी 6-member की ring और tri substituted हो। और जैम ने क्या पूछा, देखो आओ जैम की भी बताता हूँ, जैम ने क्या पूछा बताना भाई, क्या क्वेश्चन में डिफरेंस था क्या कोई, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं था। उन्होंने पूछा the total number of constitutional isomer possible for trimethyl cyclohexane, trimethyl cyclohexane, trimethyl cyclohexane, कोई डिफरेंस है क्या। वहां पे बोला गया है कि cyclohexane tri substituted, और फार्मूला तो वही है C9, अगर C9 है तो तीन मिथाइल ही लग सकते हैं, इथाइल भी लग सकता है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो, लेकिन वहां पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तो जब भी बनेगा ना, अगर इथाइल लिख दिया ना तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं हुआ। तो ये जैम का क्वेश्चन था, आओ मैं करवाता हूं इसको। देखो तो छह मेंबर की रिंग तो बनानी है, कंडीशन दे दी एग्जामिनर ने कि छह मेंबर की रिंग बनाओ, तो एक दो मैंने छह मेंबर की रिंग बनाई, फिर मैंने इनको क्या किया, मैंने मिथाइल लगाना, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि बेंजीन रिंग के साथ तीन सब्स्टिट्यूशन लगे होने चाहिए। लोकेंद्र पटेल नमस्ते नमस्ते, देख ले भाई लोकेंद्र पटेल, जैम 2020 का डायरेक्ट क्वेश्चन अपने नोट से, तुमको तो करवा रखा था मैंने। देखो तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूट एक पॉसिबल हुआ, फिर ये देखो यहाँ पे तो था ये वन, और इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों 2-2 पोजीशन पे थे, यहाँ पे इस वन के रिस्पेक्ट में ये दोनों 3-3 पोजीशन पे हैं, ठीक है, ये भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे ये 1-2 पोजीशन पे है और इसके रिस्पेक्ट में ये 3 पे है। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, क्यों, क्योंकि तीन मिथाइल लगे। देखो अगर इथाइल लगा दो सर, ऐसा कर दूं तो, सर ऐसा कर दूं तो ये एक इथाइल लगा दो, ये, अरे भाई ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तो नहीं है, एग्जामिनर ने तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड पूछा, ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, है ना, तो इसलिए नहीं आएगा, ये नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो ये देखो 1, 2 और 3, ये देखो इसके रिस्पेक्ट में 1 है तो ये 2 पोजीशन पे है, ये 1 है तो ये 3 पोजीशन पे है, ये 1 है तो ये 4 पोजीशन पे, तो कुल मिला के कितना आंसर आया भाई, 6 आंसर है। हाँ सर पता है, तो देख लो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन था जैम 2020 का, और स्ट्रक्चरल वाला भी मैंने काफी अच्छे से करवाया था, और तीन क्वेश्चन तो अभी आ गए मेरे आज की क्लास से, जैम 2020 में तीन क्वेश्चन तो मेरी आज की क्लास से ही आ गए हैं, और मैंने टोटोमेरिज्म भी पढ़ाया था बच्चों को, ये क्वेश्चन टोटोमेरिज्म से था, और बाकी जब पूरी स्टीरियो पढ़ोगे ना तो कोई भी एंट्रेंस दे देना, किसी को भी कह देना स्टीरियो का कुछ भी पूछ लो जी, और नहीं विश्वास होता तो लोकेंद्र अभी देख भी रहा है, लोकेंद्र बता भाई, लोकेंद्र बता कैसा पढ़ाया तुम्हें, ठीक है, तो लोकेंद्र बता देगा क्योंकि वो मेरा प्रीवियस ईयर था। चलो भाई ये जो क्वेश्चन है ये आप एक बार इनको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन क्वेश्चंस को कल ट्राई करेंगे, सेम टाइम पे क्लास होगी भाई, कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी, 1 से 1 बजे से लेकर 2 बजे तक स्टीरियो केमिस्ट्री की सेकंड क्लास, उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे भाई, उसमें हम क्या करेंगे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो कल सेम 1-2 पहुंच जाना सभी लाइव क्लास में, और परसों से वो ये क्लास उन्हीं बच्चों को दिखेगी जिन्होंने जैम वाला कोर्स बाय किया होगा,
जिन्होंने ये वाला कोर्स बाय किया होगा उन्हीं बच्चों को ये क्लास दिखेगी परसों से, ठीक है। आज और कल की क्लास फ्री है, ठीक है, तो कल पहुंच जाना भाई सभी बच्चे। कल हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो एक तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क दिया मैंने तुम्हें, घर के लिए कार्य है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा घर पे बैठ के करना है। और एक ये वाला, तो ये छह क्वेश्चन है, इन छह क्वेश्चन को इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आते ही इन छह क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर, पूरा बेस क्लियर हो गया सर, आप पढ़ाए तो ओके। अब तो स्टीरियो फेवरेट है, हाँ भाई देखो लोफेंद्र कह रहा है कि स्टीरियो फेवरेट है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो। अगर आज का सेशन आप सभी बच्चों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए एक बार। तो मैंने आपको जैम के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए, और मेरा यही तरीका होता है भाई, पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रीवियस ईयर पे मेरा पूरा फोकस रहता है, और प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जैम के करवाऊंगा, जैम के नहीं करवाता, डीयू के भी करवाता हूँ, बीएचयू के भी करवाता हूँ, जेएनयू के भी करवाता हूँ, जेई एडवांस के भी करवाता हूँ, नीट के भी करवाता हूँ, सभी के करवाता हूँ, जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे बच्चों ने स्टीरियो गलत नहीं की इस बार, और स्टीरियो के 8 क्वेश्चन, स्टीरियो 11 नंबर की पूछी गई थी, थोड़ी नहीं होती भाई 11 नंबर की, पूरा एनालिसिस है स्टीरियो का। तो जिनमें से 3 क्वेश्चन तो मैं आपके सोल्व करवा चुका हूँ, स्ट्रक्चरल वाला मैंने सोल्व करवा दिया, और मैंने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वाला सोल्व करवा दिया, और मैंने स्ट्रक्चरल वाला तीसरा भी सोल्व करवा दिया। कल टोटोमराइजेशन देखेंगे करेंगे या नहीं करेंगे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन का आसान सा था, कर दिया होगा बच्चों ने, सारे ही कर दिए होंगे। सर मुझे कैसे दिखेगा? पिंकू तूने बाई किया? सर मैं तो एमएससी का कोर्स लूंगा, कर देंगे तेरे को, है ना पिंकू, तेरे को भी दिख जाएगा। अगर एमएससी का लेगा तो दिख जाएगा तेरे को, मैं आपको सभी को बता दूंगा। सर ओपी टंडन बुक कैसी है? भाई सारी ही बुक अच्छी होती है, मैंने काफी बुक्स पढ़ी नहीं है तो मैं सभी बुक्स के बारे में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। ओपी टंडन भी अच्छी है, ठीक है, अच्छी है सारी बुक्स। चलिए बाकी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने बुक्स के लिए, आप वो देख लीजिए विक्रांत, वहां से आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको रियलिटी में लगा कि टीचर ने पूरे अच्छे से चीजें पढ़ाई हैं तो इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है भाई, इस वीडियो को आप शेयर कर देना। और इसकी अगर इस कंसेप्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो आपको पढ़रे ऐप से मिलेगी, ठीक है। पढ़रे ऐप को डाउनलोड करके वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इस लेक्चर की पीडीएफ। तो मैं ऐसे ही किया करूंगा, पहले लाइव क्लास होगी, अब ये लाइव क्लास मैं पढ़रे ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, उसके साथ साथ असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे लाइव आके। तो बड़ा जबरदस्त कोर्स रहेगा जैम 21 वालों के लिए, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है फटाफट से बाय कर लीजिए। फीस इंक्रीज होगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पहले बता रहा हूँ फीस इंक्रीज होगी, क्योंकि लाइव का क्लास बनते ही फीस इंक्रीज होगी, ठीक है सर। थैंक यू सर, आज खरीबोंगी तो लाइव क्लास दिखेगा, क्या कह रहे हो भाई समझ में नहीं आया। सर लोग का हम होगा प्लस वालों को, सर हम लोग को 100 होगा सर प्लस वालों को, प्लस वालों को तो शायद ना हो भाई। सर मेरा कमेंट देखो लोकेंद्र क्या कह रहा है, प्लस वालों का 100 नहीं होगा शायद भाई, देखते हैं। लोकेंद्र तूने बाई कर रखा ना वो वाला कोर्स, जिन्होंने एमएससी एंट्रेंस वाला भी कोर्स बाई कर रखा ना उनको भी 100 हो जाएगा। जिन्होंने एमएससी एंट्रेंस वाला कोर्स बाई कर रखा है, जो दूसरा कोर्स चल रहा है वो भी, जिनको जिन्होंने बाई किया हो उनको भी दिख जाएगी, ठीक है। सर आई बोलिए मतलब आई बोलिए नहीं समझ में आई क्या कह रहे हो। चलो भाई तुम्हारे कमेंट, लास्ट 5 मिनट से कमेंट, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऐप पे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लास्ट की 5 मिनट चाहे ना देखें, मैं बच्चों के कमेंट ले रहा हूँ, जर्नल कमेंट जो है आप चाहे ना देखना इसको, ठीक है, ना देखना भाई, वीडियो खत्म हो चुकी है, कंसेप्ट खत्म हो चुका है। बाकी मैं अभी लाइव में कमेंट ले रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ही कमेंट आया करेंगे 2 दिन के बाद, तो क्योंकि तुम ही लाइव देख पाओगे और लाइव नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हाँ सर एमएससी वाला लिया बिल्कुल, लोकेंद्र देख लेगा वहां पे। सर आज बाई करेंगे तो दिखेगा कोर्स? बिल्कुल दिखेगा भाई, दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। एमएससी कोर्स का फी कितना है? एमएससी कोर्स का फी दिखा देता हूँ भाई मैं आपको, एमएससी कोर्स का फी दिखा देता हूँ, एक मिनट लगेगी, एक मिनट रुको, एमएससी कोर्स का आपको दिखा देता हूँ कि क्या कहानी है एमएससी वाले कोर्स की। तो भाई एमएससी वाला जो कोर्स है आपका, एमएससी वाला जो कोर्स है उसकी जो 3,000 रुपये फीस है, वैसे तो फीस उसकी 3,000 रुपये रखी गई है, दिखी नहीं रहा भाई, देखो कितनी पीडीएफ है, कितना कंटेंट अवेलेबल है मेरे पास, ये रहा भाई, ठीक है, आ गया, कहां पे गया, ये रहा भाई। जो भी बच्चे एमएससी का कोर्स बाई करना चाहते हैं वो ये चीजें मिलेंगी उनको, और ये जो लाइव क्लासेस चल रही हैं ये भी मिल जाएंगी।
ठीक है, इनकी रिकॉर्डेड भी आपको वहां पे मिल जाएगी और लाइव भी देख पाओगे तुम अगर देखना चाहते हो तो। 100 आवर्स की जो वीडियो बोली उसमें एक ही वीडियो है और बाकी ये सब मिलेगा। इसकी 3000 रुपये फीस है बस 1 से 2 दिन में, क्या पता इंक्रीज भी हो जाए क्या पता ना भी हो, ठीक है। कितने महीने का कोर्स है, कौन सा वाला भाई? ये वाला तो है अगस्त तक चलेगा, ये एमएससी एंट्रेंस का। जो जितने 2020 में एमएससी एंट्रेंस होंगे ना, जब तक वो सारे नहीं हो जाते जब तक ये कोर्स चलेगा। और ये वाला जो कोर्स है ना, जो जैम वाला जो कोर्स है, ये तो आपका लास्ट तक चलेगा भाई, बिल्कुल जैम एग्जाम तक वैलिड है ये वाला कोर्स, जैम एग्जाम तक ये वैलिड है ये वाला कोर्स तो, ठीक है। ये वाला जैम तक वैलिड है और जो दूसरे वाला कोर्स मैंने आपको दिखाया है, ये वाला जब तक वैलिड है कि जब तक आपके 2020 के सारे एमएससी एंट्रेंस नहीं हो जाते। फटाफट से ले लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पढ़ रहे हैं आपका, और वहां पे आपको स्टोर पे जाना है, स्टोर पे जाके कोर्स को बाई करना है, फटाफट से बाई कर लो जो भी इंटरेस्टेड है। सर पढ़ रहे हैं ऐप पर सारे वीडियो लेक्चर आप ही प्रोवाइड करवाएंगे ना सारे लेक्चर? प्रियंका देख 70-80% तो मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन कुछ और फैकल्टीज भी देखने को मिलेंगी, तो 70-80 तो मैं ही करवाऊंगा, हो सकता कि 100% भी करवा दूं, लेकिन मैं पहले ही आपको ये कह रहा हूं कि 70-80 ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं। और जबरदस्त कंटेंट मिलेगा, लेकिन और भी जो फैकल्टीज आएंगी जबरदस्त पढ़ाएंगी, ऐसा नहीं है ना, जबरदस्त मजा आएगा आपको। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर अच्छा नहीं हुआ, तो मैं फैकल्टी चेंज भी कर दूंगा, ठीक है ना। एक फैकल्टी 2 से 3 चैप्टर भी पढ़ा सकती है, जैसे मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं भी स्टीरियो पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी स्टीरियो पढ़ाए, लेकिन आपको लगेगा सर स्टीरियो तो आपने इतनी अच्छी करवा दी है, किसी और फैकल्टी की मत करवाना, ठीक है। यानी कि तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहूंगा मैं, लाइव क्लासेस भी करेंगे आप, ठीक है सर। आज कोर्स का हो गया, आज का कोर्स हो गया क्या? यस आज का कोर्स हो गया क्या मतलब? ये वाला लाइव हो गया भाई, 2020 सारे कोर्स लाइव है, आप जाके बाई कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। अगर आपके कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।